जय हिंद साथियों। चर्चा करते हैं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र पर, यानी कि उनके जन्म से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने तक का सफर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय वाराणसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 ताशकंद सोवियत संघ रूस यानी कि USSR में हुआ था। भारत के दूसरे प रधानमंत्री थे, वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल आदित्य रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने प्रथम बार महिला कंडक्टर को नियुक्ति की थी। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ कराया था। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए थे। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए बहुत परिश्रम किया था। जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को अवसान हो जाने के बाद साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री पद का भार ग्रहण किया और उन्हें शासनकाल में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। इससे 3 वर्ष पूर्व चीन का युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्री जी के अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में नेहरू जी के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस पर 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती और उनके अवसान के दिन 11 जनवरी लाल बहादुर स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। संक्षिप्त जीवनी के बारे में हम चर्चा करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश के कायस्थ परिवार में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, अतः सब उन्हें मुंशी जी कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में कलर की नौकरी कर ली थी। लाल बहादुर शास्त्री की मां का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार में नन्हे कहकर ही बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने का हुआ, दुर्भाग्य से पिता का निधन हो गया और उनकी मां राम दुलारी अपने पिता हजारीलाल के घर मिर्जापुर चली गई। कुछ समय बाद उसके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे परवरिश करने में उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उसकी माँ का बहुत सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ में शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। इसके पश्चात शास्त्री अब लाल बहादुर के नाम का पर्याय ही बन गया। 1928 में उनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। ललिता और शास्त्री की 6 संतानें हुई, 2 पुत्रियाँ कुसुम व सुमन और 4 पुत्र हरिकृष्ण, अनिल, सुनील व अशोक। उनके 4 पुत्रों में से 2 अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री अभी भी है, शेष 2 दिवंगत हो चुके हैं। अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, जबकि सुनील शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है।
पॉलिटिकल करियर की हम बात करते हैं, मरो नहीं मारो का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जिसने क्रांति को पूरे देश में प्रचंड किया। लाल बहादुर शास्त्री जी के पॉलिटिकल करियर की हम बात करते हैं, मरो नहीं मारो का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, जिसने क्रांति को पूरे देश में प्रचंड किया। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने अपने साथ जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया, गांधी जी ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात बंबई में ही अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो व भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा में यरवदा पुणे स्थित आगा खान प्लेस में चले गए। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर इस आंदोलन के गांधीवादी नारे को चतुराईपूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप से क्रांति की दावानल को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया। पूरे 11 दिन तक भूमिगत रहते हुए यह आंदोलन चलाने के बाद 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी गिरफ्तार हो चुके। शास्त्री जी के राजनीतिक दिग्दर्शकों में पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित गोविंद वल्लभ पंत के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। सबसे पहले 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टंडन जी के साथ भारत सेवक संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। इलाहाबाद में रहते हुए नेहरू जी के साथ उनकी निकटता बढ़ी। इसके बाद तो शास्त्री जी का कद निरंतर बढ़ता ही गया और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए नेहरू जी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के प्रमुख पद तक जा पहुँचे। और इतना ही नहीं, नेहरू जी के निधन के पश्चात भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी बने। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने का सफर। उनके साफ सुथरी छवि के कारण ही उन्हें 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनके शीर्ष प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वे ऐसा करने में सफल भी रहे। उनके क्रियाकलाप सैद्धांतिक न होकर पूर्णतः व्यवहारिक और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप थे। निष्पक्ष रूप से यदि देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश पर आक्रमण करने की फिराक में थे। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर शाम 7:30 बजकर हवाई हमला कर दिया। परंपरानुसार राष्ट्रपति ने आपातकाल बैठक बुला ली, जिसमें तीनों रक्षा अंगों के प्रमुख व मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे। संयोग से प्रधानमंत्री उस बैठक में कुछ देर से पहुंचे। उनके आते ही विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। तीनों प्रमुखों ने उनसे सारी वस्तु स्थिति समझते हुए पूछा, सर क्या हुक्म है? शास्त्री जी ने एक वाक्य में तत्काल उत्तर दिया, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। शास्त्री जी ने इस युद्ध में नेहरू जी के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 6 सितंबर को भारत की 15वीं पैदल सैन्य इकाई ने द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी मेजर जनरल प्रसाद के नेतृत्व में इच्छोगिल नहर के पश्चिमी किनारे पर पाकिस्तान के बहुत बड़े हमले का डटकर मुकाबला किया। इच्छोगिल नहर भारत और पाकिस्तान की वास्तविक सीमा थी। इस हमले में खुद मेजर जनरल प्रसाद के काफिले पर भी भीषण हमला हुआ और उन्हें अपना वाहन छोड़कर पीछे हटना पड़ा। भारतीय थल सेना ने दूनी शक्ति से प्रत्याक्रमण करने
करके बरकी गांव के समीप नहर को पार करने में सफलता अर्जित की। इससे भारतीय सेना लाहौर के हवाई अड्डे पर हमला करने की सीमा के भीतर पहुंच गई। इस अप्रत्याशित आक्रमण से घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकलने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की अपील की। आखिरकार रूस और अमेरिका की मिलीभगत से शास्त्री जी पर जोर डाला गया और उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत रूस बुलवाया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हमेशा उनके साथ जाने वाली उनकी पत्नी ललिता शास्त्री को बहला फुसला कर इस बात के लिए मनाया गया कि वो शास्त्री जी के साथ रूस की राजधानी ताशकंद न जाए, और वे मान भी गई। इसी अपनी भूल का श्रीमती ललिता शास्त्री को मृत्युपर्यंत पछतावा रहा। अब समझौता वार्ता चली तो शास्त्री जी के एक ही जीत थी कि उन्हें बाकी सब शर्तें मंजूर है, परंतु जीती हुई ज़मीन पाकिस्तान को लौटाना हरगिज मंजूर नहीं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद शास्त्री जी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर ताशकंद समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर लिए गए। इन्होंने यह कहते हुए हस्ताक्षर किए थे कि वे हस्ताक्षर ज़रूर कर रहे हैं, पर यह ज़मीन कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही लौटाएगा, वे नहीं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही उनकी मृत्यु हो गई, और यह आज तक का रहस्य बना हुआ है कि क्या वाकई शास्त्री जी की मौत हृदयाघात के कारण हुई थी। कई लोग उनकी मौत की वजह जहर ही मानते हैं। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब उनकी मृत्यु की बात करते हैं। मुंबई में शास्त्री जी की आदमकद प्रतिमा है। पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करते हुए भारतीय सेना ने लाहौर पर धावा बोल दिया। इस अप्रत्याशित आक्रमण को देख अमेरिका ने लाहौर में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की मांग की। रूस और अमेरिका के चहलकदमी के बाद भारत के प्रधानमंत्री को रूस के ताशकंद समझौता में बुलाया गया। शास्त्री जी ने ताशकंद समझौते की हर शर्तों को मंजूर कर लिया, मगर पाकिस्तान जीते इलाके को लौटाना हरगिज स्वीकार नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में शास्त्री जी को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा, पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने खुद प्रधानमंत्री कार्यकाल में इस ज़मीन को वापस करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही भारत देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का संदिग्ध निधन हो गया, और 11 जनवरी 1966 की रात ही देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उसी रात उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया। शास्त्री जी की अंत्येष्टि पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ शांतिवन नेहरू जी की समाधि के आगे यमुना किनारे की गई, और उस स्थल को विजय घाट नाम दिया गया। जब तक कांग्रेस संसदीय दल ने इंदिरा गांधी को शास्त्री का विधिवत उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया, गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर तरह तरह के कयास लगाते जाते रहे, बट लोगों का कहना है कि जिनमें उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं, मानते हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हुई। पहली इंक्वायरी राज नारायण ने करवाई थी, जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई, ऐसा बताया गया। मज़े की बात यह है कि इंडियन पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में आज उसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। 2009 में जब यह सवाल उठाया गया तो भारत सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया कि शास्त्री जी के प्राइवेट डॉक्टर आर.एन. चुग और कुछ रोज के डॉक्टरों ने मिलकर उनकी मौत की जांच तो की थी, परंतु सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में जब उनकी जानकारी मांगी गई तो उसने भी मजबूरी बताई। शास्त्री जी के मौत में संभावित साजिश की पूरी पोल आउटलुक नाम की एक पत्रिका ने खोली। 2009 में CIA's Eyes on the South Asia नाम की पुस्तक के लेखक अनुज धर ने
सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यह कहना कि शास्त्री जी की मृत्यु के दस्तावेज सार्वजनिक करने से हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं तथा इस रहस्य पर से पर्दा उठते ही देश में उथल पुथल मचने के अलावा संसदीय विशेषाधिकारों को ठेस भी पहुँच सकती है। ये तमाम कारण हैं जिससे इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले सन 1978 में प्रकाशित एक हिंदी पुस्तक ललिता के आंसू में शास्त्री जी की मृत्यु की करुण कथा को स्वाभाविक ढंग से उनकी धर्मपत्नी ललिता शास्त्री के माध्यम से कहलवाया गया था। उस समय सन 1978 में ललिता जी जीवित थी। यही नहीं, कुछ समय पूर्व प्रकाशित एक अन्य अंग्रेजी पुस्तक में लेखक पत्रकार कुलदीप नैयर ने भी, जो उस समय ताशकंद में शास्त्री जी के साथ गए थे, इस घटना का चक्र पर विस्तार से प्रकाश डाली है। गत वर्ष जुलाई 2012 में शास्त्री जी के तीसरे पुत्र सुनील शास्त्री ने भी भारत सरकार के इस रहस्य पर से पर्दा हटाने की मांग की थी। मित्रों, खोन अकायु नामक पुस्तक में भारत से संबंधित अध्याय को पढ़ने पर ताशकंद समझौते के बारे में एवं उस समय की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में विस्तारित जानकारी मिलती है।